नमस्कार जनट्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान में सवर्ण आरक्षण की मांग एक बार फिर उठी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की कई समाज सड़कों पे हैं और विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया। घनश्याम तिवाड़ी और बीएसपी एमएलए मनोज सिंह ने इस मामले को उठाया, कहा कि केवल संकल्प पारित करने से आरक्षण नहीं मिल जाएगा, ऐसे में जातियों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। जब तक अनुसूची में संशोधन नहीं हो और संविधान में संशोधन नहीं हो तब तक संभव नहीं है। चाहे कितनी भी बार आप संकल्प पारित करते रहें, ऐसे आरक्षण मिलने वाला नहीं है। चलिए, राजपूत समाज सहित कई समाजों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि सरकार को आरक्षण देना चाहिए, जिसके हम अधिकार रखते हैं। और सुनिए विधानसभा में क्या कुछ कहा। राज्य सरकार ने आज अपना जवाब दिया। राज्य सरकार को मैंने जवाब में पूछा कि हमें आपकी कानूनी और संवैधानिक जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा नहीं चाहते, उन पर हम जवाब नहीं चाहते। राजस्थान की अनारक्षित जनता सड़क पर खड़ी है और वो ये जवाब मांगना चाह रही है कि आपने 8 में भी बिल लेके आए, 15 में भी बिल लेके आए। तो सरकार अगर ये जानती है, आज जवाब दे रही है सदन में कि संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन करना पड़ेगा या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना के कारण नहीं हो पा रहा, तो फिर बिल ला करके हमारे माननीय 200 सदस्यों को भी इस सदन में समर्थन दिलाकर सरकार ने जो घोर अन्याय किया वो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान में विभिन्न जातियों में आरक्षण के बारे में आंदोलन चल रहे हैं और इसके कारण से विषम परिस्थिति पैदा हो रही है। मैंने अभी राजस्थान विधानसभा में कहा है कि राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, माथुर और ओबीसी में ना आने वाले मुसलमान, केवल ये 5 जातियां हैं जो राजस्थान में आरक्षण से वंचित हैं। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और विशेष ओबीसी के आरक्षण को रखते हुए इनका जो आरक्षण का कानून है इसको लागू किया जाना चाहिए और उसके लिए राजस्थान की विधानसभा में अधिकतम सीमा अधिरोपण का कानून बनाया जाना चाहिए और इसको नवी अनुसूची में डालना चाहिए ताकि इसमें स्टे नहीं हो। आपने सुना घनश्याम तिवाड़ी और मनोज सिंह जो बीएसपी एमएलए हैं, घनश्याम तिवाड़ी वरिष्ठ विधायक हैं, वो कह रहे हैं केवल संकल्प पारित करने से नहीं हो सकता। और राजेंद्र राठौड़ जब जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा भी था कि जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने बताया भी था कि न्यायालय के निर्देश पर वंचित वर्ग को आरक्षण मिलने की जो बात कही थी न्यायालय ने रोका, लेकिन जब मालूम है कि संवैधानिक बाध्यता है उसके बावजूद भी हम संकल्प पारित करेंगे तो संभव नहीं है। केवल